आज हम आपको कनाडा के मैनिटोबा में हर साल होने वाले एक ऐसे आयोजन के बारे में बताएंगे जिसे कि आप इस धरती का सबसे बड़ा सामूहिक संभोग कह सकते हैं। यह इस धरती पर होने वाली कुछ दुर्लभ और विचित्र घटनाओं में से एक है। यह घटना हर साल कनाडा के मैनिटोबा प्रांत के वसंत के महीने में होती है। यह घटना गार्टर स्नेक से संबंधित है। आपको बता दें कि गार्टर स्नेक उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे आम सांपों में से एक है। इसकी लंबाई 23 से 30 इंच तक होती है। इसके शरीर पर 3 पीली पत्तियां होती हैं, जिनके कारण इन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता है। कहते हैं कि इसके रेंगने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण यह घातक तरीके से लोगों की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जहर नहीं पाया जाता। कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में हर साल बसंत में 6 महीनों की शीत निद्रा यानी नींद निकालने के बाद लगभग 30,000 गार्टर स्नेक अपनी मादों से बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं। यह यहाँ मेटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले मेल गार्टर स्नेक बाहर निकलते हैं, जो कि लगभग 30,000 के आसपास होते हैं। फीमेल गार्टर स्नेक कुछ देर बाद निकलती है। फीमेल गार्टर स्नेक मेल से बड़ी होती है तथा इनकी संख्या मेल की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जब फीमेल गार्टर स्नेक बाहर आती है तो एक फीमेल के चारों ओर लगभग 100 मेल लिपट जाते हैं और एक मेटिंग बॉल बन जाते हैं, पर इनमें से मेट करने में सफलता केवल एक मेल को ही मिलती है। इन मेल गार्टर स्नेक में एक और विचित्रता पाई जाती है। जब ये मेल फीमेल के चारों ओर लिपटते हैं तो जो मेल बीच में होते हैं उनमें से कुछ मेल फीमेल की तरह व्यवहार करते हैं। ये सीमेल कहलाते हैं। ये सीमेल अन्य मेल को मूर्ख बनाने के लिए अपने शरीर से एक फीमेल फेरोमोन निकालते हैं। ये सीमेल ऐसा क्यों करते हैं, ये अभी तक एक राज है। गार्टर स्नेक की ये सालाना गतिविधि मैनिटोबा का एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।